तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिट करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी पिक्सआर्ट ऐप में, और पिक्सआर्ट ऐप में आने के बाद आपको इस वाली फ़ोटो को ऐड कर लेना है। इस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको इस वाले फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको अपने मॉडल का फ़ोटो ऐड करना है, तो आप ऐड फोटो पर जाइए। जाने के बाद आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो कटआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको पर्सन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सन पर क्लिक करते हैं तो जितने में पर्सन होगा उतना भाग ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड कटआउट हो जाएगा। कटआउट होने के बाद आपको फ़ोटो एडजस्ट करके अच्छे से लगा लेनी है। फ़ोटो एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो हमने फ़ोटो सही तरीके से एडजस्ट कर ली है। आपको इसकी ऑपसिटी को कम करना है। कम करने के बाद आपको जाना है इरेज वाले टूल पर। इरेज वाले टूल पर जाने के बाद आपको इरेजर पर क्लिक करना है। इसकी हार्डनेस को फुल कर देना है और साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको हैंड जितना भी पार्ट हैंड पर है उसको रिमूव करेंगे। तो आप सभी रिमूव कर लीजिएगा, तो मैं इसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमने हैंड से अतिरिक्त पार्ट को रिमूव कर दिया है, तो इसकी ऑपसिटी को फुल करेंगे। फुल करने के बाद आपको फिर से इरेजर वाले टूल पर जाना है, फिर इरेजर पर जाना है। अब आपको जो साइड पर ये वाइट कलर की लाइन दिख रही है इसको थोड़ा थोड़ा इरेज करेंगे। इसकी ऑपसिटी को कम कर लेंगे, हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे, साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इस ब्लैक वाइट पट्टी को रिमूव कर लेता हूं। तो गाइज, हमने अपनी बॉडी के साइड में जो शैडो था उसको रिमूव कर दिया है। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। इसकी ऑपसिटी को फुल करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको मनी हीट्स वाला पीएनजी ऐड करना है, तो आपको ऐड फोटो पर जाना है और मनी हीट्स वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह अपने हिसाब से रोटेट करके एडजस्ट कर लीजिए। फ़ोटो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो के सारे पीएनजी और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। इतना करने के बाद आपको जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन पर। इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना है। फिर आपको जाना है सैचुरेशन में। सैचुरेशन में जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपको आना है कॉन्ट्रास्ट पर। इस पर आने के बाद आपको इसके कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। फिर आपको जाना है इरेज टूल पर। इरेज टूल पर जाने के बाद आपको इन्वर्ट पर क्लिक करना है। इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है रीस्टोर पर। रीस्टोर पर जाने के बाद आपको फोटो को कुछ इस तरह जूम करने के बाद उंगलियों के साइड से इसको ड्रॉ करना है। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो वो मनी हेयर्स वाला पीएनजी ड्रॉ होने लगेगा।
तो आपको उंगलियों की साइड से ही करना है, उंगलियों के ऊपर नहीं करना है। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ ड्रॉ। तो आपको ड्रॉ करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है, फिर आपको डन पर क्लिक करना है, फिर से ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको एक और ब्लैक पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको उस ब्लैक वाले पीएनजी को लेकर आना है। तो आप अपने जिस भी फोल्डर में आपका ब्लैक पीएनजी रखा हो तो आप लोग वहां पर जाकर उसको ऐड कर लीजिए। तो जैसा कि मेरा डाउनलोड वाले ऑप्शन पर रखा है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा। तो आपको उस ब्लैक पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद ऐड पर जाना है। ऐड पर आने के बाद आपको जितना फोटो है उतना बड़ा कर लेना है। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है, फिर आपको अपने फोटो को सेव कर लेना है। उस सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इस फोटो को लेकर चलना है अपने लाइटरूम ऐप पर। तो हम इस फोटो को लेकर आ चुके हैं अपने लाइटरूम ऐप पर। लाइटरूम ऐप पर आने के बाद आपको लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। थोड़ा बढ़ाने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना है, हाईलाइट को थोड़ा कम करना है, शेडो को थोड़ा बढ़ा दीजिए, वाइट को कम कर दीजिए, ब्लैक को भी कम करना है। जैसे ही इतना करने के बाद आपको आना है अपने कलर वाले ऑप्शन पर। इस पर आने के बाद आपको वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देना है, फिर आपको टेम्परेचर को थोड़ा कम करना है, 3 से 4 रखना है इसको। इतना करने के बाद आपको मिक्स टूल पर जाना है, इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है, इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे। फिर आपको सेकंड वाले कलर पर जाने के बाद सैचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे, ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे। फिर आपको जाना है डार्क ब्लू वाले कलर पर। इस पर जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को कम कर देना, फिर आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सैपरिंग को थोड़ा बढ़ा दीजिए, फिर आपको नीचे आने के बाद कलर नॉइजर को बढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको जाना है शेयर वाले ऑप्शन पर। शेयर पर जाने के बाद आपको सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है। तो आपकी फ़ोटो बनकर तैयार हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको यह फ़ोटो एडिटिंग आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।